कल की क्लास में हम लोग ने इस पीपीटी से कुछ कुछ ठीक है हम लोग कर रहे थे फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ईए 232 इंटरफेस के बारे में हम लोग ने जाना था। ठीक है, तो इसका मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन जान लिए थे, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन भी जान लिए थे। ठीक है, डेटा के लिए कौन कौन से यहाँ पे पिंस यूज़ होते हैं वो भी हम लोग जान लिए थे। ठीक है, कंट्रोल टाइमिंग भी हो गया था। ठीक है, अब आते हैं इसके दो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, तो EIA 232 जो हमारा ठीक है EIA 232 जो हमारा यहाँ पे सॉकेट है। ठीक है, जो हमारा पिन है। ठीक है, जो कनेक्टर है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग के पास दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। ठीक है, पहला होता है DB25 और सेकंड होता है DB9। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं DB25। स्क्रीन कैसे शो नहीं होता है आप लोग को? अभी हो रहा है? नहीं हो रहा अभी भी? रुको, अभी दिख रहा है? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार, यहाँ का नेटवर्क ना बहुत ज़्यादा स्लो हो गया आजकल। नहीं दिख रहा है स्क्रीन? मेरे में तो दिख रहा है। रुको, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे DB25 का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, DB25 भी सेम वैसे ही होता है, 25 पिन्स का कनेक्टर होता है। ठीक है, अब देखो EIA232 डिफाइंस द फंक्शन असाइंड टू ईच ऑफ द 25 पिन्स इन द DB25 कनेक्टर। फिगर शोज द ऑर्डरिंग एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ईच पिन ऑफ ए मेल कनेक्टर। रिमेंबर दैट फीमेल कनेक्टर विल बी द मिरर इमेज ऑफ द मेल, सो दैट पिन वन इन द प्लग मैचेस ट्यूब वन इन द रेप्टेकल। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम देखो, ये वाला EIA232। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कितने पिन्स होते हैं? 13 पिन्स होते हैं। ठीक है, ये ऊपर कितने पिन्स होंगे? 13 पिन्स होंगे। ठीक है, और नीचे में कितने पिन्स होंगे? 12 पिन्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 25 पिन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है डेटा पिन्स। ठीक है, कौन कौन से डेटा पिन्स हैं यहाँ पे? पिन नंबर 2 जो है वो क्या है? ट्रांसमिटेड डेटा के लिए है। 3 जो है रिसीव डेटा के लिए है। ठीक है, 14th जो है वो किसके लिए? सेकेंडरी डेटा ट्रांसमिट के लिए है। ठीक है, 16 जो है सेकेंडरी रिसीव डेटा के लिए। ठीक है, ये 4 पिन जो है वो डेटा पिन्स है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल पिन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो पिन नंबर 4। ठीक है, ये वाला पिन नंबर 4 किसके लिए? रिक्वेस्ट टू सेंड। पिन नंबर 5 किसके लिए? क्लियर टू सेंड। ठीक है, फिर उसके बाद पिन नंबर 6 जो है DCE रेडी। ठीक है, फिर उसके बाद पिन नंबर 8 जो है रिसीव्ड लाइन सिग्नल डिटेक्टर। ठीक
ठीक है, जो भी सिग्नल वगैरह आएगा और रिसीव हुआ है कि नहीं उसको चेक करेगा, रिसीव हो रहा है कि नहीं उसको चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पिन नंबर 12 क्या है, सेकेंडरी रिसीव लाइन सिग्नल डिटेक्टर, ठीक है। अगर इसमें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो ये भी डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। दोनों ही अपना स्टेटस सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 13 क्या है, सेकेंडरी क्लियर टू सेंड, ठीक है। यहाँ पे देखो पिन नंबर 5 भी वही काम कर रहा है, क्लियर टू सेंड, लेकिन एक सेकेंडरी भी उसका बना के रखा। अगर मान के चलो ये वाला काम नहीं करता है पिन, या फिर इस पिन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पिन टूट जाता है, ठीक है, या फिर कोई वायर में फॉल्ट आ जाता है, तो ये सेकेंडरी वाला काम करता है उस समय, ठीक है। 19 सेकेंडरी रिक्वेस्ट टू सेंड, ठीक है। यहाँ पे देखो पिन नंबर 4 भी वही काम कर रहा है, लेकिन एक सेकेंडरी भी बना के रखे हैं, ठीक है। और पिन नंबर 20 क्या कहता है, डी टी ई रेडी है, ठीक है। दोनों स्टेटस सेंड करेंगे कौन कौन, पिन नंबर 6 और 20, ठीक है। ये डी सी रेडी, मतलब अगर कनेक्ट होने के बाद डिवाइस रेडी है हमारा, तो ये स्टेटस सेंड करेगा, और डी टी ई भी कनेक्ट होने के बाद रेडी है तो पिन नंबर 20 जो है वो डेटा शेयर करेगा, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल पिन्स हैं, दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट जब होते हैं तो यहाँ पे सीरियल कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, EIA 232, ठीक है। तो वहाँ पे इस प्रकार का DB25 जो है वो काम करता है, ठीक है। अभी देखो वापस से इसमें आते हैं अपन, ईच कम्युनिकेशन फंक्शन हैज़ ए मिरर और आंसरिंग फंक्शन फॉर ट्रैफिक इन द अपोजिट डायरेक्शन टू अलाउ फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन, ठीक है। फुल डुप्लेक्स पता है कि क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स पता है, पता है कि नहीं पता है क्या होता है डुप्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो ना आप लोग कि नहीं पढ़े हो, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा आप लोगों को नहीं था, ठीक है ठीक है। तो देखो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन क्या होते हैं, कि जैसे मान के चलो हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक बार डेटा सेंड हो रहा है तो उधर से रिसीव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से डेटा अगर हम लोग सेंड करेंगे तो उधर से भी वो डेटा सेंड कर सकता है और हम लोग रिसीव कर सकते हैं, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है, सीधी सी बात, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग एक कंप्यूटर जोड़ के रखें और दूसरा कंप्यूटर में डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो जो कनेक्शन होगा वो डुप्लेक्स कनेक्शन होगा, मतलब एट ए टाइम हम लोग सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं दोनों एंड से, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सीरियल कनेक्शन हम लोग EIA 232 यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पे DB25 इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किए हैं, तो उसमें यहाँ पे दो पिन जो होगा वो ट्रांसमिटिंग के लिए होगा। यहाँ पे देखो पिन 2 इज़ फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा वाइल पिन 3 इज़ फॉर रिसीविंग डेटा, इन दिस वे बोथ पार्टीज कैन ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम, ठीक है। पिन नंबर 2 क्या होगा, ट्रांसमिट करने के लिए होगा, पिन नंबर 3 किस लिए होगा, रिसीव करने के लिए होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है या ट्रांसमिट होने वाला है या रिसीव करने वाला है, ठीक है, तो सेम टाइम पे हम लोग कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। ये ड्यूप्लेक्स मतलब बंगलो वाला नहीं है, ये कम्युनिकेशन वाला है, ठीक है ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये था कंट्रोल पिन्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइमिंग पिन्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखो पिन नंबर 15, पिन नंबर क्या है 15, ठीक है। ट्रांसमीटर सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग DC DT, ठीक है। फिर पिन नंबर 17 क्या है, रिसीवर सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग DC DT, ठीक है। और उसके बाद 24 नंबर, ट्रांसमीटर सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग DT DC, ठीक है। तो ट्रांसमीटर सिग्नल एलिमेंट है, रिसीवर सिग्नल एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है 15, 17 और 24 नंबर के पिंस पे, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा का पूरा कनेक्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सा पिन पे क्या क्या काम करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो, पिन नंबर वन जो है वो शील्ड के लिए है, पिन नंबर वन शील्ड के लिए है, टू जो है ट्रांसमिटेड डेटा के लिए है, थ्री जो है रिसीव डेटा के लिए है, फोर जो है रिक्वेस्ट टू सेंड के लिए है, ठीक है, फिफ्थ जो है क्लियर टू सेंड के लिए है। अगर हम लोग सेंड कर चुके हैं, अगर उसको हम लोग हटाना चाहते हैं तो वहाँ पे उस टाइप का एक इंटरफेस दिया जाता है, ठीक है। पिन नंबर सिक्स जो है डीसी रेडी के लिए है, सिग्नल ग्राउंड कॉमन रिटर्न है ये, ठीक है, ग्राउंड जो अर्थिंग होता है उसके लिए, ठीक है। एट रिसीव लाइन सिग्नल डिटेक्टर, नाइन जो है रिजर्व टेस्टिंग के लिए है, 10 भी है रिजर्व टेस्टिंग के लिए, 11 जो है अनअसाइंड है, कोई काम नहीं करता, ठीक है। 12 जो है वो सेकेंडरी रिसीव लाइन सिग्नल डिटेक्टर है, और 13 जो है सेकेंडरी क्लियर टू सेंड है, ठीक है। 14 जो है सेकेंडरी ट्रांसमिटेड डेटा के लिए है, 15 जो है ट्रांसमिटर सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग के लिए है, डीसी डीटी, ठीक है, दोनों के इंटरफेस करेगा वहाँ पे काम करता है ये। 16 नंबर जो है सेकेंडरी रिसीव डेटा के लिए है, ठीक है, थ्री अगर काम नहीं करेगा तो 16 काम करेगा, ठीक। रिसीवर सिग्नल एलिमेंट, ठीक है, जो पॉइंट पिन नंबर 17, ठीक है। 18 जो है लोकल लूप बैक है, ठीक है। 19 जो है सेकेंडरी रिक्वेस्ट टू सेंड, ठीक है। 20 जो है डीटी रेडी का सिग्नल भेजेगा, ठीक है। 21 पिन जो है रिमोट लूप बैक एंड सिग्नल क्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है। फिर उसको 22 जो है रिंग इंडिकेटर है, ठीक है। 23 जो है डेटा सिग्नल रेट है, ठीक है। 24 जो है सिग्नल ट्रांसफर, और 25 जो है टेस्ट मोड है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए रिजर्व टेस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ, पिन नंबर 9, 10 और लास्ट वाला 25, ये दोनों टेस्टिंग के लिए, तीनों टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया, ये सारे पिन की डिटेल्स है, ठीक है। कोर्स में है तो पढ़ना पड़ रहा है, आउटडेटेड चीज़ भी क्या करें, ठीक है। तो आज के डेट में भी अगर पुराने पुराने चीज़ें देखें, जैसे कि एक वो आता है, अगर रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो हम लोग को एक बहुत बड़ा सा प्रिंटर देखने के लिए मिलता है, देखे हो कभी वो? ठीक है, तो वो जो हम लोग प्रिंटर देखते हैं, बहुत बड़ा सा वो होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो वो प्रिंटर क्या करता है, वो भी जो सिग्नल लेता है कंप्यूटर से, ठीक है, तो वो भी सीरियल कनेक्शन वहाँ पे जोड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस टाइप का पिन यूज़ होता है, EIA 232, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में सब USB से काम चलाते हैं, इस टाइप का सीरियल कनेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं DB9 इम्प्लीमेंटेशन, मैनी ऑफ द पिन्स ऑन द DB25 इम्प्लीमेंटेशन आर नॉट नेसेसरी इन ए सिंगल एसिंक्रोनस कनेक्शन, नोट दैट देयर इज नो पिन टू पिन रिलेशनशिप इन द टू इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, यहाँ पे पिन टू पिन रिलेशनशिप जो होगा दोनों इम्प्लीमेंटेशन से, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब सेम पिन जो है वहाँ पे मिरर इमेज होगा, जो मेल और फीमेल कनेक्टर जो होते हैं, ठीक है, जब उसमें लगेगा ऐसे सॉकेट जब फंसेगा, ठीक है, तो उसका जो फीमेल है या फिर मेल है दोनों मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये है EIA 232 का DB9 पिन, इसमें 9 पिन होते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या देखा था, DB25 देखे थे, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा पिन था, DB25 था, ठीक है, 25 इम्प्लीमेंटेशन था। अब DB9 देखते हैं, ठीक है। तो DB9 जो सीरियल कनेक्शन होता है EIA 232 का, ठीक है, वन के लिए होता है, वन जो पिन होता है वो कैरियर डिटेक्ट होता है, टू जो होता है ट्रांसमिट डेटा, थ्री
थ्री जो होता है रिसीव डेटा, फोर जो होता है डी टी रेडी, फाइव जो होता है सिग्नल ग्राउंड, ठीक है डी सी रेडी जो होता है सिक्स नंबर पिन होता है, रिक्वेस्ट टू सेंड जो होता है सेवन नंबर, ऐसे करके नाइन पिन्स तक पूरे दिए हुए हैं। ठीक है अलग अलग पिन्स है। ठीक है तो यहाँ पे कुछ एक दिया हुआ है फुल सिंक्रोनस फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है तो यहाँ पे देख लो, ठीक है वन शील्ड है, फाइव क्लियर टू सेंड, इस टाइप का एट रिसीव लाइन सिग्नल डिटेक्टर। ठीक है अब ये पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है कैसे कैसे काम करता है डीटीए और डीसी अगर हम दोनों को इंटरफेस करते हैं तब। ठीक है अभी जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं ना वो इस लाइन की पढ़ रहे हैं, ये वाली जो लाइन दिख रही है छोटी सी ये वाली, इसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है ये ई आई ए 232 कनेक्टर है, ठीक है जो इंटरफेस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है इसी पे ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है डी बी 25 और डी बी 9 का। क्लियर डी टी और डी सी को कैसे इंटरफेस किया जाता है, ठीक है उसी का वो एक वायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बस। क्लियर है समझ में आया पिक्चर। ठीक है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में मत जाओ, कोई मतलब नहीं इतना डीप में नहीं आने वाला है। ठीक है बहुत ज़्यादा डीप में बता भी नहीं रहा हूँ मैं, बस पिन्स के बारे में जान लो दोनों को पिन्स क्या क्या होता है। ठीक है मैं इसको पूरा शेयर कर दूँगा तो लिमिटेड चीज़ें ही नोट्स में हम लोग को लिखनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी होती है तो हम लोग को लिमिटेड चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, ये देखो सिंक्रोनस फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन किया गया है वो पिन नंबर 2 से 3 से 17 से और 24 से किया गया है। ठीक है जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है नेक्स्ट आता है नल मोडेम। ठीक है नल मोडेम क्या होता है कि कोई एक ऐसा मोडेम होता है जो दो टर्मिनल या फिर वर्क स्टेशन के बीच में लगा होता है। ठीक है इसमें किसी को कुछ डाउट था क्या ई आई ए 232 में? कोई डाउट नहीं था? ओके आगे चलते हैं हम लोग नल मोडेम पे। ठीक है नल मोडेम क्या होता है, देखो मोडेम जो होता है वो हमेशा डीसी में यूज़ होता है। ठीक है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में। ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी कनेक्ट टू डीटीज इन द सेम बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल टू वर्क स्टेशन और टर्मिनल टू ए वर्क स्टेशन। ठीक है अगर हम लोग सेम बिल्डिंग में दो डीटी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है या फिर दो डीटी को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है तो वहाँ पे हम लोग को मोडेम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है तो यहाँ पे देखो मोडेम्स आर नॉट नीडेड टू कनेक्ट टू कंपैटिबल डिजिटल डिवाइसेस डायरेक्टली। ठीक है अगर हम लोग को दो डिवाइस कनेक्ट करना है, मतलब दो डीटी को कनेक्ट करना है, जैसे हम लोग कंप्यूटर से डायरेक्ट कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है तो हम लोग को मोडेम की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दो अलग अलग सिग्नल नहीं है वहाँ पर, डिजिटल सिग्नल ही ट्रैवल हो रहा है तो हम लोग को वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? ठीक है द ट्रांसमिशन नेवर नीड्स टू क्रॉस एनालॉग सिग्नल सच एज टेलीफोन लाइन एंड देयरफॉर डज नॉट नीड टू बी मॉड्यूलेटेड। जब वहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग चेंज ही नहीं हो रहा है या फिर एनालॉग टू डिजिटल चेंज ही नहीं हो रहा तो वहाँ मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बट यू डू नीड एन इंटरफेस टू हैंडल द एक्सचेंज रीडीनेस एस्टेब्लिशमेंट डेटा ट्रांसफर रिसिप्ट एक्सेट्रा जस्ट एज एन ई आई ए 232 डी टी डी सी केबल डज। ठीक है वैसे ही हम लोग को एक इंटरफेस यूज़ करना होता है
रेडीनेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए, रिसिप्ट के लिए और बाकी जो स्टेटस वगैरह मेंटेन हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नल मोडेम। क्या बोलते हैं? नल मोडेम, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम लोग को दो DTE को कनेक्ट करना है, ठीक है, हम लोग कोई ना कोई ऐसा मीडियम यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ पे कोई भी डेटा ट्रांसमिशन एनालॉग सिग्नल पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस पे क्या होगा, जो वहाँ पे मोडेम होगा उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नल मोडेम। क्या बोलते हैं? नल मोडेम, ठीक है। नल मोडेम क्या प्रोवाइड करेगा? एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग विदाउट DCE के इंटरफेस के हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। नल मोडेम इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो DTE को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, उससे जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नल मोडेम। और वहाँ पे हम लोग को कोई भी मोडेम फिजिकली लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्रॉसिंग कनेक्शन इन नल मोडेम, इसके लिए एक डायग्राम है यहाँ पे, देखो ये वाला, ठीक है। अब ये एक ऐसा सीरियल कनेक्शन है हमारे पास, वो सिंपली एक केबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया है क्रॉस कनेक्शन किया गया है, यहाँ पे देखना पिन नंबर 7 है, वो 7 से जुड़ा हुआ है। 20 जो है वही घूम के 6 से जुड़ा हुआ है, मतलब क्रॉस कनेक्शन यहाँ पे किया गया होगा इस केबल के अंदर, ठीक है। 20 जो है 6 से ही जुड़ा हुआ है, ये रेडीनेस है, ठीक है। पिन नंबर 4, 5 और 8, 4 को जोड़ा गया है 5 से, 4 को जोड़ा गया 5 से, ठीक है। 8 को यहाँ पे 4, 5 से जोड़ा गया और ये 8th पिन को इस 4, 5 से जोड़ा गया है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र भी यहाँ पे पिन नंबर 2 जो है वो 3 से जोड़ा गया और 3 जो है 2 से जोड़ा गया है, ठीक है। टाइमिंग पिन्स भी जो है 24 जो है इसके 17 से जुड़ा हो गया है और इसके 17 को 24 से जुड़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन से काम होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनालॉग सिग्नल से हम लोग कोई भी डिजिटल में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन करके हम लोग यहाँ नल मोडेम का इस्टेब्लिशमेंट या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्लियर, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं नल मोडेम, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो इंटरफेस देखे हैं DCE और DTE का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ देखें, कौन सा सीरियल कनेक्शन यूज़ करते हैं, EIA 232, ठीक है, जिसमें 25 पिन्स होते हैं, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंट भी दो तरीके से होता है, एक DB25 से होता है और DB9 से होता है, ठीक है। अगर हम लोग को दो DTE को डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे नल मोडेम का यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग सेम जो हमारे पास सीरियल कनेक्टर अवेलेबल है, ठीक है, 25 पिन वाला, उसी से ही हम लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं उसको, कोई मोडेम का वहाँ पे खेल रहता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग वहाँ पे इस टाइप का क्रॉस कनेक्शन करते हैं और हम लोग नल मोडेम को इम्प्लीमेंट करके दो DTE को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर, समझ में आया पूरा का पूरा प्रोसेस? इससे ज़्यादा डीप में मत जाना, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो कोई मतलब भी नहीं है, आज के ज़माने में वैसे भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? कुछ कोई डाउट नहीं है, समझ में आया? ओके, ठीक है, कुछ डाउट होगा तो